Hi students, welcome back to the channel. And this is the class 1 of level A course. This is the basic class. और आज की class में आप जो भी सीखेंगे बहुत basic होगा but important होगा. और ये मेरा वादा है आप लोगों से कि आज की ही class में आप लोग जब बोलना सीखेंगे तो आपको feel होगा कि actually आप बोल रहे हो, translation नहीं कर रहे हो. लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, जितना कहा गया है कम से कम उतना तो करना ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो. सो गाइज, टेल 50 सेंटेंसेस अबाउट. आपको कम से कम 50 सेंटेंसेस बताने ही हैं, इससे कम नहीं बताने, ये बात आप समझ के चले. सो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, आपको बताना है व्हाट ऑल डू यू हैव. मतलब आपके पास दुनिया भर की चीज़ ज़रूर होगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना है कि कौन सी वो 50 चीज़ें हैं जो आपके पास हैं. नहीं आया समझ में, मैं बताता हूँ. देखो, मेरे पास ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये कैप है, मेरे पास ये क्लोथ्स हैं, माइक है, मेरे पास नोज भी है, मेरे पास ये चश्मा है. मतलब मेरे पास घर में भी बहुत सारा सामान है. तो अब मुझे बैठ कर सोचना है और आपको बताना है कि वॉट All do I have? मतलब मेरे पास दुनिया भर का क्या क्या सामान है. तो ध्यान से देखिएगा कैसे बताना है. बताने की टेक्निक बिल्कुल सिंपल है. आपको बोलना है I have ये चीज. यहां पर उस चीज का नाम आएगा जो भी आपके पास है. जैसे मेरे पास ग्लास है, I have a glass. मेरे पास एक फोन है, I have a phone. मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर. मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार. सो बिल्कुल सिंपल है, आपको बोलना है आई हैव ये वाली चीज, मेरे पास ये चीज है. अब क्लास के बाद आपकी ड्यूटी होगी कि आपको बैठ के सोचना है, और सोचना ही नहीं है बोलना भी है. क्या? आई हैव अ पेन, आई हैव अ साइकिल, आई हैव अ स्कूटर. और अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहे वर्ड्स तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा. रूम में बैठना, जो रूम में बैठे हो आप, जिस रूम में भी बैठे हो, वो सारा सामान आप ही का है दोस्त, किसी और का नहीं है. बैठ के सोचो, आई हैव अ फैन, आई हैव अ वाईफाई राउटर, आई हैव अ एलईडी बल्ब, आई हैव विंडोज इन माई हाउस, आई हैव अ पेंटिंग इन माई हाउस, आई हैव सोफा एंड आई हैव अ टेबल, आई हैव माई वॉच. तो एक्चुअली मैं आपको देख देख कर बता रहा हूँ चीज़ों को. तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है. फिलहाल कमेंट में आप लिख दें कि आपके पास क्या चीज़ है. दो चीज़ों के नाम फटाफट कमेंट में लिखो कि भाई मेरे पास ये चीज़ है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टारगेट. अब आपको क्या करना है, ये चीज़ फॉलो करनी है. आई हैव ये चीज़, आई हैव ये चीज़, आई हैव ये चीज़. और कितने सेंटेंस बोलेंगे बेटा आप? 50 सेंटेंस आपको बोलने हैं. ठीक है, मिनिमम 50, इससे ज़्यादा बोल सकते हैं. इससे क्या होगा, आप इंग्लिश बोल रहे होगे, आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर रहे होगे, बस सोचोगे और बोलोगे. यू विल थिंक अबाउट द थिंग्स व्हाट ऑल डू यू हैव, उसको आप रेस्पॉन्ड करेंगे. और इतना प्रैक्टिस कर लेना कि स्लैग बोलने लगो, एक्चुअली आई हैव अ पेन इन माई हाउस, आई हैव अ चेयर, आई हैव माई फादर, आई हैव माई मदर, आई हैव ब्रदर, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव थ्री सिस्टर्स, लाइक दिस आपको बोलना है. ठीक है, इतना कर लोगे. चल उसके बाद आता है टास्क नंबर 2. सो सेकेंड टास्क आपका ये है कि आपको बताना है व्हाट ऑल डोंट यू हैव. अब ऐसा नहीं है यार कि दुनिया भर की चीज़ें आपके पास होंगी, राइट? पूरी दुनिया की सारी चीज़ें आपके पास नहीं है. तो आपको अब उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपके पास है नहीं, जो आपके पास नहीं है. और बोलना बहुत सिंपल है, आपको बोलना है आई डोंट हैव दिस थिंग, आई हैव, आई डोंट हैव दिस थिंग. सिमिलरली आपको यहाँ पर उस चीज़ का नाम बताना है. जैसे यार मैं सच बताऊँ, मेरे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स नहीं है, तो मैं बोलूँगा आई डोंट हैव आईफोन 14 प्रो मैक्स. मेरे पास सोनी का DSLR कैमरा नहीं है, तो मैं बोलूँगा आई डोंट हैव DSLR कैमरा. मेरे पास हवाई जहाज नहीं है, आई डोंट हैव एरोप्लेन. मेरे पास टाइम नहीं है गाइस, सो आई डोंट हैव टाइम.
मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं बोलूँगा आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। मेरे पास चार्जर नहीं है, आई डोंट हैव चार्जर। मेरे पास एक डॉग नहीं है, एक पैट नहीं है, आई डोंट हैव अ पैट। तो सिंपली आपको क्या बोलना है, आपको बस इतना बोलना है कि भाई आई डोंट हैव दिस थिंग। क्या बोलना है, आई डोंट हैव दिस थिंग। बिल्कुल सिंपल है। कितने सेंटेंस, कम से कम 50, और दो सेंटेंस लिखो कमेंट में कि सर आई डोंट हैव दिस थिंग। ठीक है, आपको बताना है और सोच के बताना है आपके पास क्या क्या नहीं है। जैसे मेरे पास टॉयज नहीं है, आई डोंट हैव टॉयज। और आपको ये लगातार 50 सेंटेंस बोलना है। सर अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा एक्चुअली कि मेरे पास ये नहीं है, और प्रैक्टिस करनी है ज़रूरी, तो क्या कर सकते हैं आप, जो चीज़ आप पर है आप उसे बोल दो कि मेरे पास ये नहीं है, या फिर रेड कलर में नहीं है, ब्लू कलर में नहीं है। जैसे मेरे पास मार्कर है, मैं बोलूँगा आई हैव अ मार्कर। बट मैं इसे अगर निगेटिव बोलना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई डोंट हैव अ ब्लू मार्कर, अ रेड मार्कर, अ ग्रीन मार्कर। समझ में आया। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप बोलो आई हैव अ फ़ोन। लेकिन अगर आपको डोंट हैव बोलना ही बोलना है तो आप बोलो आई डोंट हैव एन आई फोन। तो समझ ना, ब्रांड बना दो, कलर चेंज कर दो, तो वो चीज़ आपके पास नहीं होगी। जैसे मेरे पास दोस्त नहीं है, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। मेरे पास रेड कलर का बोर्ड नहीं है, आई डोंट हैव अ रेड बोर्ड। समझ में आ गया ना, मतलब चीज़ों को आप ही को बोलना है, इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं लगेगा। यू विल हैव टू टेल मी द थिंग्स। ठीक है, समझ में आया, ये प्रैक्टिस कर लोगे। चलो टास्क नंबर 3 पर चलो। अब आपको बोलना कुछ नहीं है, बताना कुछ नहीं है, अब पूछना है। आप आस्क, पूछो। क्या पूछना है, व्हाट ऑल डू आई हैव, व्हाट ऑल डू आई हैव। अब आपको पूछना है मेरे पास क्या क्या, मुझसे क्वेश्चन आपको पूछना है, मुझसे। कैसे पूछोगे आप, पूछोगे डू यू हैव दिस थिंग, डू यू हैव दिस थिंग, डू यू हैव दिस थिंग। मतलब सिंपल है, आपको पूछना है क्या तुम्हारे पास ये है, डू यू हैव दिस थिंग। मैं आपसे पूछता हूँ क्या तुम्हारे पास एक घोड़ा है, डू यू हैव अ हॉर्स। क्या तुम्हारे पास एक बड़ी लग्जरी कार है, डू यू हैव अ लग्जरी कार। यहाँ पर जो मैंने ब्लैंक बनाया ना, इसमें आपको वो चीज़ बतानी है, इसमें उस चीज़ का नाम आना है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। क्या आपके पास एक सांप है, डू यू हैव अ स्नेक। क्या आपके पास ऑडी है, डू यू हैव अ ऑडी। क्या आपके पास एक गिटार है, डू यू हैव अ गिटार। क्या आपके पास एक एक पालतू कुत्ता है, डू यू हैव अ पैट, या डू यू हैव अ पैट डॉग। समझ में आया। ये भी आपको कितने क्वेश्चन करने हैं बच्चे लोग, आपको ये भी करने हैं 50। अब ध्यान से समझो, 50 + 50 + 50 = 150। मतलब आज आप 150 सेंटेंस बोलेंगे इंग्लिश में, बहुत बड़ा नंबर है। और ये आप बोलोगे, इसमें क्या है, कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा किसी तरीके का। आपको ये खुद ही बताना है, मैंने सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछा है क्या, व्हाट ऑल डू यू हैव। तो आप बोलोगे सर आई हैव अ पेन, आई हैव अ कैप, आई हैव अ वाइफ, आई हैव अ साइकिल, आई हैव अ मोटर बाइक, आई हैव अ वाईफाई राउटर, आई हैव अ फ्रेंड एंड आई हैव अ हॉर्स, आई हैव अ किचन इन माई हाउस, आई हैव अ बाथरूम इन माई हाउस, आई हैव अ टेम्पल, आई हैव नोटबुक, आई हैव सम इंटरेस्टिंग बुक्स, आई हैव सम इंटरेस्टिंग कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। समझ में आया। तो ये आपको बताना है। मैं पूछूंगा व्हाट ऑल डोंट यू हैव, आपके पास क्या क्या नहीं है। तो आप बोलोगे सर आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, आई डोंट हैव अ रेड शर्ट, आई डोंट हैव अ ब्लैक पैंट, आई डोंट हैव अ ब्रांडेड शू, आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव एन एरोप्लेन, सर आई डोंट हैव एन आईफोन, आई डोंट हैव अ गेमिंग लैपटॉप, आई डोंट हैव ये, आई डोंट हैव वो, आई डोंट हैव ये, आई डोंट हैव वो। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क व्हाट ऑल डू यू डू आई हैव। मतलब मैं पूछ रहा हूँ मेरे पास क्या क्या है, पूछो मुझसे, पूछो। तो आप क्या पूछोगे, सर डू यू हैव दिस थिंग, सर डू यू हैव दिस थिंग, सर डू यू हैव दिस थिंग। ठीक है, कैसे पूछोगे, सर आपके पास कार है, डू यू हैव अ कार, सर आपके पास गाड़ी है, डू यू हैव अ गाड़ी, या डू यू हैव अ कार। लेकिन दिमाग में ये मत करना मैं इनसे पूछता हूँ कि आपके पास घोड़ा है, डू यू हैव अ हॉर्स। ये तो ट्रांसलेशन हो गया ना दोस्त, आपको लगातार क्वेश्चन पूछने हैं।
सिर्फ उस चीज के बारे में पूछो जिस चीज के बारे में आपको लगता है कि इससे पूछ लेते हो उसके पास है या नहीं। कैसे? डू यू हैव उस चीज का नाम, डू यू हैव उस चीज का नाम। समझ में आया? ये इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है। और ज्यादा जल्दी ना करो, छोटा सा टॉपिक है बट द सेंटेंसेस आर 150, तो 150 सेंटेंसेस को ध्यान में लेकर करो, आराम से चलो, जल्दबाजी ना करो। जल्दी करोगे तो गिर जाओगे, आराम से चलोगे तो मस्त चलोगे, पसीना नहीं आएगा, थकोगे नहीं और अच्छे से पहुंचोगे, यात्रा सुगम रहेगी। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो फिलहाल ये थी क्लास 1 लेवल 1 की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।